साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू अपडेट, एक और न्यू जानकारी देने के लिए आपके पास पहुंच चुका हूं। दोस्तों बता दूं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 8853 एएनएम का सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों का एएनएम का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसका इंतजार है। दोस्तों अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाते हैं तो यहाँ पर यह भी प्रश्न बनकर के सामने आती है, क्या इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, यानी कि कितने अंक वाले कैंडिडेटों को सेकेंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नाम आएंगे। पूरी डिटेल्स जानकारी ऑफिशियल टाइप की जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आया है उसको देख करके, उसको समझ करके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये नोटिस सब कैंडिडेटों ने यहाँ पर देखे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों का कहना है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दूँ कि ये नोटिस स्पष्ट रूप से बता रही है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया, आदेश जारी किया गया है, और इसमें आप लोग देखेंगे कह रहा है कि 5/2021 एएनएम के जो संविदा के आधार पर वैकेंसी निकाली गई थी जिनका ज्वाइनिंग करने के लिए 30/11/2022 तक टाइम दिया गया था, लेकिन बहुत कैंडिडेट ऐसा है जो पदस्थापन स्थान पर योगदान नहीं दिया है, यानी कि वो लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। अब जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं किए हैं निर्धारित तिथि को, तो निर्धारित तिथि को जब ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो उन लोगों को एक बार और अंतिम मौका दिया गया है। अब ये अंतिम मौका 29 अप्रैल 2023 तक दिया गया है। अब 29 अप्रैल 2023 तक जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर लेते हैं वो तो ठीक है, अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा कि उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर वहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त समझी जाएगी, रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयन कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा है रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के चयन कर लिया जाएगा। इसका मतलब है प्रतीक्षा सूची के चयन का मतलब सीधी बात हुआ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी करने की पूरी संभावित है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि संभावना नहीं, बिल्कुल रूप से आप लोग इंतजार कर सकते हैं प्रतीक्षा सूची की, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रतीक्षा सूची की जब बात करेंगे तो ये आपको जानकारी दे दूं कि 29 अप्रैल 2023 तक ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद 29 अप्रैल के बाद दोस्तों यहाँ पर बता दूं कुछ दिन छुट्टी है, उसके बाद 2/5/2023 से फिर लगातार यहाँ पर ऑफिस खुल रही है। तो 29 अप्रैल तक आप लोग को कोई यहाँ पर उम्मीद नहीं लगाना है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग के रिलेटेड या फिर कोई लिस्ट आएंगे। 29 अप्रैल के बाद दोस्तों हम लोग को एक सप्ताह कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, एक सप्ताह के बाद यहाँ पर कोई ऑफिशियल अपडेट बिल्कुल रूप से आएंगे, और जैसे ही जानकारी आएगी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग कट ऑफ की बात कर रहे थे तो कट ऑफ कितना जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए, तो जानकारी दे दूँ जिन कैंडिडेटों ने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिन कैंडिडेटों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था वैसा कैंडिडेट अपना मार्क जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन्हीं कैंडिडेटों के यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में नाम आने की संभावित है, तो वो लोग अपना मार्क कमेंट करिएगा, उसके आधार पर हम एक एनालिसिस कर पाएंगे और आप लोगों के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ बना पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग सारी कंप्लीट जानकारी समझ गए होंगे, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू।